भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है, जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी गई है। द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड यूनानिमसली टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। कॉन्सिक्वेंटली The standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मत से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. आरबीआई गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, भारत के पास दुनिया का नया ग्रोथ इंजन बनने की पूरी क्षमता मौजूद है। India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. A large economy marching ahead with vast domestic demand, untapped resources and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही है। Our economy has continued to grow at a reasonable pace, becoming the 5th largest economy in the world, contributing around 15% to global growth. We have also made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust with lower leverage, improving debt servicing capacity and strong profitability. और हमारी सहयोगी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही हैं। श्यामा, अगर देखा जाए तो रेपो रेट का ना बढ़ना एक आम व्यक्ति के लिए एक राहत भरी खबर, क्योंकि किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त बोझ अब बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी अरिंद्र, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाया था कि आरबीआई अपनी की दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, उसी तरीके से आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिलीवर की हुई है। दो लगातार, पिछली बार भी हमने दो बार देखा था कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, अब ये तीसरी बार है कि बढ़ोतरी नहीं की गई है। 6.5% पर ही जो की दर है रेपो रेट की, उसे मेंटेन किया गया है। सभी कुछ एक तरीके से एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक यहाँ पर नया हमने देखा डिसीजन आरबीआई की तरफ से कि अब क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में या सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो गया है, आरबीआई को लग रहा है कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो गया है, तो इस लिक्विडिटी को कम करने के लिए उन्होंने कुछ अहम कदम उठाए हैं। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है बैंक के साथ में, जो उन्हें रखना होता है आरबीआई के साथ में, उसमें 10% का एक टेम्पररी इंक्रीमेंटल कर दिया गया है। यानी कि ये भी बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को या उसके पहले इसका एक रिव्यू होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2000 के नोट्स जो थे वो रिकॉल कर लिए गए हैं, और वो जितने नोट्स अब तक वापस आ चुके हैं उसकी वजह से सिस्टम में लिक्विडिटी काफ़ी हो गई है। साथ ही ऐसा समय है ये कि अब सारी जो हमारी त्यौहार हैं वो शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंश्योर करें कि सिस्टम में इतनी लिक्विडिटी मेंटेन हो कि लोगों की त्यौहार जो है, आम जनता की त्यौहार जो है, वो आराम से अच्छे से मनाई जा सके, उनके पास में पैसे उनके हाथ में हो। तो इसीलिए 8 सितंबर से पहले या 8 सितंबर को ये रिव्यू किया जाएगा कि सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी अभी बची है और आगे कदम क्या उठाने हैं। लेकिन साथ ही गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये भी इंश्योर किया है, दिलासा
दिलाया है कि इतना पैसा सीआरआर लगाने के बाद में भी बैंकिंग सिस्टम में इतनी लिक्विडिटी है कि उनके पास में जो लेंडिंग फैसिलिटीज है उस पर कोई असर नहीं होगा। जी श्यामा, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती लगातार बनी हुई है और ग्रोथ इंजन के तरीके से हम दुनिया के ग्रोथ इंजन के तरीके से 15% का योगदान दे रहा है और फास्टेस्ट इकोनॉमी के तौर पर अभी भी भारत के बढ़ते कदम सब लगातार दिखाई पड़ेंगे, तो ये भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बेहतर और राहत भरी खबर के तौर पर। बिल्कुल राहत भरी खबर है ये हमारे लिए अरेंद्र, क्योंकि हम हर बार जब सुनते हैं शक्तिकांत दास को, जब वो कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, वो हमेशा कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्टेटमेंट महात्मा गांधी के बताते हैं और साथ ही भारत क्या किस तरीके से ब्राइट स्पॉट है, रोबस्ट हमारा इकोनॉमी है या बैंकिंग सिस्टम है, उसके बारे में वो हमेशा बताते हैं। आज भी उन्होंने इस पर जोर दिया कि किस तरीके से जो भारत है, क्योंकि अगर आप बाहर देखें तो जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें रिसेशन की बात चल रही है, बहुत बड़े बड़ी इकोनॉमी है जिन पे रिसेशन की बात चल रही है, लेकिन भारत उसी तरीके से, जाहिर सी बात है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, वो तो असर करेगा ही भारत पे, लेकिन अपनी खुद की जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो काफ़ी भारत की मजबूत है और इसीलिए जो रिसेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर में हम नहीं देख पा रहे हैं उतनी बड़ी तरीके से, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपकी सारी जो की फैक्टर्स स्ट्रांग होते हैं, आपकी पॉलिसी स्ट्रांग होती है, आपने जिस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, साथ में जो नीतियां ली हुई हैं उनकी वजह से, इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भारत एक काफी बड़ा, एक बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट है और हम जैसे कहते हैं कि पांच बड़ी इकोनॉमी विश्व में से भारत एक है, तो ये जाहिर सी बात है कि सभी जो कंट्रीज हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि एक बड़ा एग्जाम्पल भारत सेट कर सके और लीड भी कर सके डेवलपमेंट में और साथ ही एक सक्सेसफुल इकोनॉमी के तहत में। महत्वपूर्ण चीज ये भी, क्योंकि बहुत जल्दी से जवाब चाहेंगे, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा नहीं है, लेकिन राहत को लेकर क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि रेपो रेट के घटने की एक सिलसिले की शुरुआत या उसके लिहाज से क्या कुछ गुंजाइश? देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आरबीआई के सामने इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन्फ्लेशन का इन्होंने प्रोजेक्शन भी है जो वो 1% से बढ़ा दिया है, भले ही यहाँ पर दरों को बढ़ाया नहीं गया है रेपो रेट के, लेकिन अकोमोडेटिव स्टैंड जो होता है उसे उन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन नहीं काबू में आता है तो आरबीआई आगे जाते हुए पॉलिसीज में जो बढ़ोतरी है वो कर सकती है, और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि जो ईएमआईज है या पॉकेट पे पिंच पड़ना होता है वो जरूर वहां पर होगा, लेकिन फिलहाल यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई काफी एक तरीके से रेडी भी है और साथ ही कोई नीचे रिएक्शन नहीं देना चाहती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगे तो वो जरूर उसमें अपने फैसिलिटीज जो है वो उतारेगी। अरेंद्र, शुक्रिया शर्मा, फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर नजर डालते हैं नेशनल प्राइम में।